नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। भाई बहनों का एक अटूट रिश्ते का त्यौहार ये होता है भाई दूज। भाई दूज का त्यौहार सबसे ज़्यादा खास होता है बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी। बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और इस त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाती हैं, और भाई भी उनकी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए उन्हें उपहार देते हैं। भाई अपनी बहनों के लिए कोई ना कोई उपहार लेकर आते हैं जो उन्हें भाई दूज पर देते हैं। बहनें अपने भाइयों की रक्षा करने के लिए और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। ये भाई बहन के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत और अटूट बना देता है, जो कि जिंदगी भर तक उनके साथ जुड़ा रहता है। कहा जाता है भाइयों का ये त्यौहार शादी के बाद तक बनता है, और बहनें अपनी शादी के बाद अपने पीहर आती हैं या फिर भैया अपनी बहनों के ससुराल में ही जाकर अपनी दौज करवाते हैं और उन्हें टीका लगवाने के बाद उनके घर एक रात रुककर और भोजन करते हैं। लेकिन इस दिन पर यमराज खुद भी धरती पर आते हैं। लेकिन क्यों आते हैं यमराज भगवान? इसलिए धरती पर आते हैं क्योंकि उनकी बहन यमुना उनके लिए हर साल प्रार्थना करती हैं, लेकिन हर साल प्रार्थना करने के बावजूद भी यमराज कभी भी नहीं आते। लेकिन भाई दूज के त्यौहार पर वह हमेशा अपनी बहन से अपनी दूज करवाने और टीका करवाने के लिए आते हैं। यमराज अपने सारे कामों को छोड़कर अपनी बहन यमुना के घर आते हैं और एक रात रुककर उनके यहाँ भोजन करते हैं, स्नान करते हैं और अपनी बहन के साथ ही वह समय बिताते हैं। इसलिए यमराज का भाई बहन का त्यौहार सबसे खास माना जाता है। कहा जाता है कि बहनों का ये त्यौहार सबसे ज़्यादा भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और बहनों के लिए क्या भाइयों के लिए भी ये त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि भाई भी अपनी बहनों की लंबी उम्र के लिए और जिंदगी भर साथ रहने का वादा निभाते हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई भी अपनी बहनों की प्रार्थना के लिए अनुसार ही उनके अनुसार कार्य करते हैं। उनके लिए एक अच्छा वर ढूंढते हैं और अच्छा वर ढूंढ के उनकी शादी भी कराते हैं, और भाइयों का यह रिश्ता और भी ज़्यादा अटूट हो जाता है जब भाई अपनी बहनों के घर एक रात रुकने जाते हैं। कहा जाता है कि शादी के बाद जब भाई अपनी बहन के घर जाता है, अपनी दौज करवाते समय अपनी बहन को ये वचन देता है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा और हमेशा उसके साथ हमेशा रहेगा। जब भी उसे ज़रूरत हो बस पुकारने की ज़रूरत है। इसलिए यमराज और यमुना का भी रिश्ता ऐसा ही है। भाई बहन है वैसे, लेकिन यमुना हमेशा अपने भाइयों को त्यौहार पे याद करती है। यमराज को अपने कामों से फुर्सत ना मिलने की वजह से वह कभी धरती पर नहीं आते, लेकिन वह भाई दूज के त्यौहार पे अपने सारे काम छोड़कर अपनी बहन के पास जरूर आते हैं और एक रात रुक कर उनसे टीका करवाते हैं। भाई दूज एक साथ मनाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि यमराज भाई दूज पर धरती पर आते हैं सारे काम छोड़कर। भाई दूज का त्यौहार सबसे खास माना जाता है बहनों के लिए भी भाइयों के लिए भी, क्योंकि खुशी से मनाने वाला ये त्यौहार होता है। बुआ आती हैं घर में, बहनें आती हैं और भी ज़्यादा खुशी हो जाती है। जब बहनें भाइयों के घर आती हैं या फिर भाई बहनों के घर जाते हैं तो और भी ज़्यादा खुशी वाला माहौल होता है। एक रात रुक कर वह अपनी सारी बातें, गिले शिकवे सारी दूर करते हैं और अपने साथ मिलकर एक खुशी वाला त्यौहार मनाते हैं, ताकि वह जिंदगी भर तक साथ रहने का वादा निभा सकें। तो इसलिए यमराज अपनी बहन से मिलने धरती पर आते हैं। तो ये है यमराज भगवान धरती पर अपनी बहन यमुना की वजह से आते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।